Very good morning, students. I am your teacher, and today I am going to teach you craft work. और आज मैं आपको craft work में कप बनाना सिखाऊंगी. पेपर से हम कप कैसे बनाते हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. देखिए, सबसे पहले आपको कप बनाने के लिए तो ये मैंने स्क्वायर शीट ली हुई है, या किसी भी कलर की ले सकते हैं. ग्रीन मैंने लिया हुआ है, आप रेड, ब्लू, येलो, ऑरेंज, किसी भी कलर की शीट ले सकते हैं. ये हमारी स्क्वायर शीट है, जितनी लेंथ है उतनी ही ब्रेथ है. ये हमारी स्क्वायर शीट है. अब इसे बच्चों हमें ये मिडल में से हम इसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से. देखिए, ये हमने डबल फोल्ड कर दिया, ये था ऐसे, हमने इसमें मिडल में से फोल्ड कर दिया. हम इसको एक बार फिर से फोल्ड करेंगे मिडल में से, इसको इस तरह से. ये हो गया, इस तरह से आप प्रेस कर दीजिए. अब आप इसे खोल लीजिए. तो ये हमने खोल दिया. अब इसे आप ऐसे टर्न कर लीजिए इस तरह से. अब हम यहाँ से फिर से इसी तरह से फोल्ड करेंगे, मिडल में से फोल्ड करेंगे हम. देखिए, इस तरह से हमने फोल्ड कर दिया इसे. अब एक बार फिर से हमें फोल्ड करना है. देखिए, इस तरह से हमने इसको फिर फोल्ड कर दिया. टू टाइम्स हमने फोल्ड कर दिया. अब वन टाइम हम अगेन फोल्ड करेंगे और फिर से बीच में से करना है. देखिए, इस तरह से. थोड़ा सा इसको प्रेस कर दीजिए इस तरह से. देखिए, या अब हम इसे खोल लेते हैं. देखिए, हमने इसको खोल लिया. फिर इसे आप इस तरह से टर्न कर दीजिए. अब ये जो हमारी मिडल वाली लाइन है, इसे हम मिडल तक फोल्ड करेंगे. ये सिर्फ ये मिडल तक. देखिए, इस तरह से कर दिया हमने. और हमें क्या करना है बच्चों, ये देखिए, ये जो पार्टीशन है ये पतले हैं. अब हम इनको इस तरह से फोल्ड करेंगे. इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया. ये जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में इसको फोल्ड करना है. अब हम यहाँ से जितनी भी लाइन है उसके ऊपर हमें ये इस तरह से करना है. हम इस लाइन से करेंगे. देखिए, इस तरह से हम इसको थोड़ा प्रेस करते जाएंगे. ये जो लाइन है इन्हीं के ऊपर हमें फोल्ड करना है. ओके, देखिए, अब ये लाइन है, इसके ऊपर हम फोल्ड करेंगे. ये लाइन के ऊपर हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया. ये सभी आपने अच्छी तरह से फोल्ड कर दिए. अब आप इसे खोल लीजिए. ओके, देखिए, इस तरह से होगा ये. अब ये जो पार्ट है इसे भी हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे. ये फोल्ड किया हुआ है, अब इसे हमें इस तरह से फोल्ड कर दीजिए. ये कर दिया हमने. अब ये जो हमारी लाइन्स हैं इनके ऊपर हमें कट करना है. ओके, सीजर लेंगे हम. देखिए, इस तरह से. और जब हम इसको इस तरह से करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कप. ये हमको कट करेंगे. ओके, चलिए हम यहाँ से कट करते हैं. ये जो हमारी लाइन है बच्चों, सिर्फ हमें यहाँ तक कट करना है.
करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे। तो देखिए ये फेविकॉल है, इससे हम इसको पेस्ट करेंगे। इसे हम इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर देंगे। देखिए हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब हम इसको इस तरह से करेंगे, ये जो कटी हुई हैं इनको हम ऐसे ऐसे हमने अंदर की तरफ किया इसे। अब यहाँ पर हम ये फेविकॉल लगाएंगे, देखिए इस तरह से। इस तरह से देखो ये कर दिया। अब यहाँ फेविकॉल करेंगे हम इसको इस तरह से, इन सभी को ऐसे हम पेस्ट करते जाएंगे। कर दिया और इसके ऊपर हम लगा देंगे, यहाँ पर हमने कर दिया, इसके ऊपर लगाइए आप। ये है, इस तरह से कर दिया हमने। अब यहाँ पर हम इसको लगाते हैं इस तरह से, देखिए इस तरह से ये हमने पूरा कंप्लीट पेस्ट कर दिया। ये हमारा इस तरह से ही कंप्लीट, हमने इसको देखिए अंदर से इसको हम थोड़ा सा अंदर से इसको और इस तरह से कर देंगे। इसे हम ऐसे सेट कर देते हैं। देखिए ये हमारा पूरा है यहाँ पे। अगर कहीं से भी आपको लग रहा है कि निकल रहा है तो वहाँ पर ही फेविकॉल से हम इसको अच्छी तरह से पेस्ट कर देंगे। देखिए ये बन गया हमारा कप। अब हमें इसका हैंडल बनाना है, देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। अब सेम कलर की हमें एक शीट और लेनी है बच्चों, ये हमें छोटे साइज़ की लेनी है। इसे भी हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से मिडल में से हमने इसको फोल्ड किया, देखिए इस तरह से। हम इसे एक बार और फोल्ड करेंगे, अब एक बार और फोल्ड करेंगे। देखिए हमें क्या बनाना है, इसका हैंडल। अब देखो ये खुला हुआ है तो हम इसको यहाँ पर फेविकॉल से पेस्ट कर देंगे। पहले हम यहाँ कर देते हैं, देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरह से हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब इस तरह से हमने डबल किया, फिर हमने इसको इस तरह से, अब चाहें तो आप इसको यहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हैं इस तरह से।
जिससे कि ये खुले ना। देखिए हमने इसको इस तरह से कर दिया। अब हम थोड़ा सा इसे यहाँ से इस तरह से टर्न करते हैं और थोड़ा सा यहाँ से, और बच्चों यहाँ से भी थोड़ा सा इसको ऐसे लूज करते हैं, क्योंकि हैंडल हमारा कैसा होता है, गोल होता है। तो देखो इस तरह से ऐसे किया। अब इसे हम इसके ऊपर पेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। यहाँ पर आप इसको इस तरह से लगा दीजिए। ये है, ये हम यहाँ लगा देते हैं इसे। देखिए इस तरह से हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये हैंडल, ये नीचे वाला पार्ट, ये हम इस तरह से नीचे यहाँ पर देखिए इस तरह से कर देते हैं। ये दोनों तरफ हमने इनको पेस्ट कर देंगे, इसे नीचे भी और ऊपर भी। ये थोड़ा अभी गीला है। तो बेटा थोड़ा ऐसा हमें करना पड़ेगा। ये देखिए ये इसका हैंडल बन गया। अब हम इसको अपने कप को किसी भी तरह से यहाँ पे हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आप किसी का भी फेस बना सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर आईज बना देती हूँ। इस तरह से मैंने इसको फेस बना दिया। आप इसको और भी अच्छी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया हमारा कप। तो ये हमने आज क्या बनाना सीखा, कप। देखिए ये हमारा कप। अब इसमें चाय पी सकते हैं। ये आप बनाकर देखिए, बहुत अच्छा बनेगा। सो ये था हमारा क्राफ्ट वर्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।